महाराष्ट्र से कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सदस्य बालू धानोरकर का मंगलवार सुबह दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी थी। बालू धानोरकर 48 साल के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी प्रतिभा धानोरकर और दो बेटे हैं। प्रतिभा धानोरकर भी विधायक है। उन्हें 2019 में वरोरा भद्रावती विधानसभा सीट से जीत हासिल हुई थी। बालू धानोरकर के पिता नारायण धानोरकर का भी निधन नागपुर में शनिवार शाम को हो गया था और वे रविवार को अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे। धानोरकर ने चंद्रपुर जिले में बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और साल 2014 में विधानसभा चुनाव जीता। वह चंद्रपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी के हंसराज आहिर का गढ़ माना जाता था। बालू धानोरकर कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने आहिर को चुनाव में शिकस्त दी थी। बालू धानोरकर राजनीतिक गलियारों में एक मुखर और सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र के अकेले कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर के राजनीतिक जीवन पर। सुरेश उर्फ बालू धानोरकर चंद्रपुर सीट से कांग्रेस सांसद थे। उनका जन्म 4 मई 1975 को यवतमाल में हुआ था। उन्होंने कला और कृषि का अध्ययन किया है। शिक्षा पूरी करने के बाद बालू धानोरकर ने कपड़े की दुकान शुरू की। इसके बाद उन्होंने वाहन खरीदने के लिए लोन कंपनी चलाई। उसके बाद भद्रावती में एक बार भी उन्होंने शुरू किया था। बालू धानोरकर पहले से ही चंद्रपुर के वरोरा विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के विधायक थे। इसके बाद उन्होंने शिवसेना छोड़ दी और कांग्रेस में वो शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद शिवसेना के विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव में चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। बालू धानोरकर राजनीतिक गलियारों में आक्रामक और मुखर के रूप में जाने जाते थे। बालू धानोरकर स्थायी समाधान बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे, ताकि लोगों को एक ही कार्य के लिए बार बार काम ना करना पड़े। उन्होंने कहा था कि मैं फिर से निर्वाचित होने के लिए चीजें कभी नहीं करता। लोगों से झूठे वादे ना करें। अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मैं लोगों को साफ साफ बता देता हूँ। ये बालू धानोरकर का ब्लूप्रिंट है। ऐसे बहुत से लोग बालू धानोरकर के प्रति महसूस करते थे। बालू धानोरकर राजनीति में शुरू से ही कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। लिहाजा भद्रावती नगर पालिका से शुरू हुई उनकी यात्रा आज संसद पहुंच गई है। उनकी पत्नी प्रतिभा धानोरकर वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। बालू धानोरकर के खिलाफ कई अपराध भी दर्ज है। इस वजह से उन पर 2 बार प्रतिबंध लगाया गया था। कांग्रेस ने साल 2004 से चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र नहीं जीता था। बालू धानोरकर का शराब का कारोबार है और चंद्रपुर में शराबबंदी उनकी उम्मीदवारी के रास्ते में आ रही थी। धानोरकर को कांग्रेस की सूची में टिकट से वंचित कर दिया गया था। बड़ा इस पर हंगामा भी हुआ था और धानोरकर, वडेटीवार, अशोक चौहान, तिकड़ी, मल्लिकार्जुन खड़गे के दरवाजे पर पहुंची। तब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी से चंद्रपुर सीट एनसीपी को देने की बात की थी। हालांकि कांग्रेस नेता विजय वडेटीवार ने सही समय पर बाजी पलट दी और बालू धानोरकर को नामांकन दिलवा दिया। उसके लिए धानोरकर के समर्थकों ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा था। विजय वडेटीवार ने कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य को आश्वस्त किया था कि बालू धानोरकर विजयी उम्मीदवार है। साल 2019 के चुनाव में पूरे राज्य में कांग्रेस की हार हुई थी। साल 2014 के चुनाव में राज्य में कांग्रेस के 2 ही सांसद चुने गए थे। हालांकि साल 2019 में यह संख्या केवल 1 सांसद की ही थी। उसी समय शिवसेना से कांग्रेस में शामिल हुए बालू धानोरकर ने चंद्रपुर में जीत हासिल कर पार्टी की लाज बचा ली थी। ऐसे सांसद को कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है। 31 मई यानी आज सुबह 11 बजे वानी वरोरा बाईपास मार्ग स्थित मोक्ष धाम में बालू धानोरकर का अंतिम संस्कार किया गया। बालू धानोरकर को खो देने के बाद कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों एवं कार्यकर्ताओं पर शोक का माहौल छाया हुआ है। महाराष्ट्र के इकलौते कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं कई नेताओं द्वारा शोक जताया गया है।